विश्वंभरो गिरवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजति प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का विषय होकर। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? महाप्रभु जो कलयुग में आए हैं, क्या कहीं शास्त्र में नहीं, क्या प्रमाण क्या है ना? आप लोग अपना मनमान करने से महाप्रभु को वहां पर खड़े कर दिया। क्योंकि भगवान सब समय में नहीं आते, भगवान तभी आते हैं जैसे अभी कलयुग अवतार हुई नहीं, लेकिन पहले से शास्त्र में भागवत में बता दिया। बुद्धा अवतार कहाँ पर होंगे, कैसे आएंगे, भागवत में लिखा हुआ। उनका पिताजी का नाम क्या होगा, भैया का नाम क्या होगा, किस गांव में जन्म ग्रहण करेंगे, कलयुग अवतार भी कहाँ पर जन्म लेंगे, ये भी शास्त्र में बता दिया है। इसलिए से चैतन्य महाप्रभु आएंगे, इसका प्रमाण वायु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत में विभिन्न स्थानों में वहां पर विभिन्न श्लोकों के द्वारा बताया। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ जन्म लेंगे, उनको पिताजी का नाम क्या होगा, उसकी मैया का नाम क्या होगा, उनकी स्त्री का नाम क्या होगा, ये सब विभिन्न पुराण में इसको बताया गया है। इसलिए हम लोग इसी विषय पर श्रवण कर रहे थे। श्री नवद्वीप धाम क्या है, नवद्वीप धाम कहाँ से प्रकट हुई, कैसे राधा रानी अपना हृदय से ही ये नवद्वीप धाम को राधा रानी ने स्वयं कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने प्रकट किया है। हम इसको विभिन्न विभिन्न प्रमाण, विभिन्न शास्त्र के प्रमाण से हम लोग श्रवण कर रहे थे। हम लोग ये श्रवण कर रहे थे महाप्रभु जगत में आए तो क्यों आए, जिसको पीछे चार कारण बताए। कितना कारण है? चार। उसमें कुछ साधारण कारण है, उसमें कुछ विशेष कारण है। क्योंकि जो साधारण कारण है, गौण में जो गौण कारण है, बोले कई युगे धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतरण शिष्यचरण। कई युग का जो युग धर्म है कहते नाम संकीर्तन है, इसी कारण को लेकर के महाप्रभु कलयुग में अवतीर्ण हुए। क्योंकि कलयुग का जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है, जिसको नारद पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, भविष्य पुराण में, विभिन्न पुराण में बताए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिरंजन। बोले कलयुग में हरिनाम कीर्तन को छोड़ करके जीव को उद्धार का कोई उपाय नहीं और उपाय नहीं। इसे जिसको गोस्वामी कहते हैं कलयुग को केवल नाम आधार और सुमिरी सुमिरी नारा होता रहेगा। तुलसीदास जी को उन्होंने इतने प्रमाण दिया, बोले कलयुग में कोई योग ध्यान तपस्या कुछ भी कलयुग में नहीं है, केवल हरिनाम संकीर्तन से ही जीव का कल्याण होगा। बोले तीन तीन बार क्यों बताए, एक बार तो बता देते। बोले किसी बात को अगर हम तीन बार बोल देते हैं वो बात पक्की हो जाता है, पक्की हो जाती है। नहीं कलयुग में हरिनाम कीर्तन करना है, फिर
दूसरा कारण क्या है, हम कलयुग का जीव है, अगर एक बार कोई बोलेगा तो सुनेगा नहीं, इसलिए उन्होंने दृढ़ता पूर्वक बोले नहीं, करना तो हरि का नाम ही करना और कुछ नहीं। इसलिए वहां केवल 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 मतलब है केवल हरि कीर्तन से ही कल्याण होने वाले और किसी को द्वारा कल्याण नहीं होने वाले। इसलिए हम इस तीन विषय पर तीन तरह का कैसे जप करते हैं, एक तो मानसिक जिसको मन मन में जप करते हैं, और एक उपासु है जो केवल अपना कान तो सुनना ही पड़े, और एक है उच्च स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यद्यपि तीन तरह का जप है लेकिन सर्वश्रेष्ठ जप किया है बोले उच्च स्वर में करते, बोले क्यों उच्च स्वर में करने का क्या जरूरत है, बोले जो व्यक्ति मन मन में बात धीरे धीरे हरि नाम करते हैं वो अपना कल्याण सोचते हैं, दूसरों को कल्याण सोचते नहीं। इसलिए हरिदास ठाकुर को जब पूछे आपने चिल्ला चिल्ला कर क्यों हरे कृष्णा बोल रहे हो, हमने भजन करनी चाहिए मन मन में, तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया था याद है बच्चों, याद है बोलो, पेड़ पौधे पक्षियों को उनका भी उद्धार। इसमें ताली बजाना चाहिए, इसलिए मैंने उदाहरण दिया है एक अच्छे तरह सुन लो, एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है लेकिन एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, दोनों में कौन बड़ा होगा, जो परिवार को खिलाता है। तो उसी तरह का जब हम उच्च स्वर से हरिनाम करते हैं ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की प्रभु का नाम को नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो भगवान का नाम जो उनको काना में पड़े उनका भी उद्धार होता है। बोले बोले कहीं शास्त्र में प्रमाण ना तुम अपने आप बोल रहे हो, पर पुराण से मैंने श्लोकों को उद्धृत किया है, बोले जब तो हरि नाम स्थानी संतो गुणामी को, जो मन मन में जप करते हैं उनको जो फल मिलेगा, जो उच्च स्वर से जप करते हैं उसको 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा, 1 गुण 10 गुण 100 गुण उसको ज्यादा 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा। यद्यपि भगवान कृष्ण है वो दयालु है कृपालु है, लेकिन उनसे ज्यादा दयालु कौन है, बोले उनका नाम। जैसे कृष्ण आए उन्होंने किसको किसको उधार किया, कृष्ण किसी को उधार नहीं किया, आप बोले जो पुतना मासी को उधार किया, अघास बकास को उधार किया है, और भगवान इनको भी भगवान ने उधार किया है, लेकिन उधार किया ठाकुर ने उनको, लेकिन वो पहले पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ थे, पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ थे हैं? जैसे भगवान के बामन अवतार में बलि महाराज के घर में गए, उनकी जो बेटी रत्नमाला थी, भगवान बामन देव को देख कर के मन में इच्छा हुई अगर मेरे घर में ऐसे के लाला होता तो मैं दिन भर उनको प्यार करती प्रेम करती, लेकिन जब उन्होंने तीन भगवान सब कुछ ले लिया, पिताजी को बांध दिया नाथ पास करने में, अगर तो मेरे बेटे बन करके आओगे ना दूध क्या पिलाऊंगे, जहर पिलाऊंगा, वही मेरे पुतना मासी बन करके आती है, पुतना वही मेरे पुतना बन करके आती है। इसलिए कहते पूर्व पूर्व जन्म में भगवान जिन जिन लोगों ने कुछ अपराध किया है उनको कल्याण के लिए ठाकुर जी आए और अपना परिक्रम को लेकर के आए और उनको साथ में लीला करके ठाकुर फिर चले। भगवान राम भी जब आए वो भी अपना भक्तों को लाए और लेकर उनको लीला की और उनको साथ में चले गए, लेकिन गए के गए छोड़ कर क्या गए, हमारे लिए हरि का नाम छोड़ कर। उसे समय तो एक आध किसको उधार किया होगा, लेकिन अभी देखो जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेते हैं सबके सब भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए कहते नामी से मतलब भगवान कृष्ण से उनका जो नाम है वो ज्यादा कल्याण है ज्यादा मंगलदायी है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो भगवान का जो नाम है हैं तो ठाकुर जी का नाम कैसे ग्रहण करनी चाहिए, बल्कि किसी सद्गुरु से हरि नाम को लेकर के इसको जप करनी चाहिए। लेने से क्या होता है वो नाम में उदाहरण दिया, जैसे कि गोली, अब कोई गोली को उठा कर इसको फेंको लगेगा थोड़ी बहुत, लेकिन वही गोली जो बंदूक में रख करके मारेंगे क्या होगा, इस बार से उस बार हो जाएगा। उसी तरह जो भगवान का नाम कल्याण करते है मंगल करते है
लेकिन जब किसी सदगुरु से प्रभु का नाम लेकर कहते हैं, क्या करता है, हमें जो भगवान का नाम गोलोक वृंदावन पहुंचा देता है, ठाकुर की चरण को प्राप्त करा देते हैं। इसलिए उन्होंने माला को तोड़ करके फेंक दो बाहर, वो लोग खाते रहेंगे। इसलिए भगवान का जो नाम है इस सबको ऊपर से एक कृपा करती है। तो यहाँ पर बताइए हरि नाम कैसे करने चाहिए, हरि नाम कैसे करने चाहिए, बोले नियम सो फेंक दो बाहर, बोले बाहर खाते रहते, बोले हरि नाम कैसे करने चाहिए। महाप्रभु ने बोले प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र इहा जप किया सके करिया निर्भर, मैंने तुमको ये हरिनाम महामंत्र दिया है, ये हरिनाम महामंत्र को निर्बंध, निर्बंध मतलब संख्या पूर्वक नियमित पूर्वक हरिनाम करनी चाहिए है। बोले नियमित पूर्वक करने से क्या जरूरत है, जब इच्छा हो कर लो, फिर ये संख्या रख करके क्यों करनी चाहिए, कोई कारण नहीं। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो नाम तो ले लिया हमें स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, लेकिन कहता है क्या, वो बच्चों के साथ में खेल कूद करके शाम को वापस आ जाता है, लेकिन पिता माता क्या सोचते हैं, बच्चा स्कूल जाएगा, लेकिन पता कब चलेगा, वो पता कब चलेगा, पढ़ाई किया ही इधर उधर घूमता था, जब उसको एग्जाम आए ना दटवत महाराज, जब जब उनको एग्जाम आए, जब उनका पेपर हो, पेपर आने पर कितना मार्क रखा, वो उससे पता चलता है उसने पढ़ाई कितने किया कि नहीं किया है। इसलिए जो एग्जाम को मगर पता नहीं चलता जितने मार्क लाए, इसलिए कहते जो हरिनाम है हम भक्ति में बढ़ रहे हैं ना भक्ति इसमें घट रहे हैं, पता कैसे चलेगा, बस हरिनाम के द्वारा। क्योंकि कलयुग में भगवान नाम रूप में ठाकुर जी कलयुग में अवतीर्ण किए हैं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र और इहा जप किया सबे करिया निर्बंध, किया है ते सर्प सिद्धि है वे सवार सर्पघ्न बोलै थे विधि नाहिया। इसलिए महाप्रभु बोले मैंने तुमको ये हरिनाम कीर्तन दिया है, ये हरिनाम को क्या करो, निर्बंध नियमित करके हरिनाम को जप करो, इसी हरिनाम से ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सर्प सिद्धि मतलब क्या है, सर्प सिद्धि मतलब होता है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, भगवान धाम की तुमको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी हरिनाम कीर्तन से। इसलिए बोले हरिनाम को बताया नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। कहते जो भगवान का नाम नहीं ये चिंता नहीं, चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगो वही मिलेगा है, संपूर्ण रस भगवान के नाम में रस की ढेर है। और जो भगवान का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए ये नाम को प्रतिकली युग में विशेष पूर्वक भगवान एक नाम का प्रति जोर देने चाहिए। संसार में देखो भले जिंदगी भर जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आता है शरीर छूटता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल सत्य है, सब कोई बात झूठा है। अंतिम समय में भी यही बोलते बोलते ले जाएंगे, जितने ठाकुर का नाम जब किया वही सच्चा हो, सबके सब जगत में झूठा है। इसलिए विभिन्न पुराण में बताए, अभी यहाँ पर बता रहे हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु और उनका भक्त लोग ये हरिनाम का विषय पर क्या बोले, महाप्रभु साथ में हरिनाम का क्या संबंध है, हैं कहां कहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे चैतन्य भागवत में चैतन्य चरितामृत में कहां कहां पर ये हरिनाम के विषय पर कहां कहां पर बताए। बोले स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम कीर्तन करते थे कभी रोते थे महाप्रभु, कभी नाचते थे, कभी गाते थे, कभी जमीन पर लौट फोट खाते थे। एक दिन महाप्रभु से पूछे बोले प्रभु तुम तो सन्यासी हो, सन्यासी का काम है कौपिनी वर्त कौपिनी वर्त खलु भाग्य वर्त वेदांत सूत्रे सुसदारमन,
ये सन्यास का काम है गोपनीय धारण करना है, अपना को भाग्यवान समझ करके वेदांत सूत्र में रमण करनी चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जो गीता अनावृत सप्ताह जो वेदांत है वो वेदांत सूत्र में हर समय उनको रमण करनी चाहिए। तुम ये सन्यासी होकर क्या हरे कृष्ण करते रहते हो, कभी रोते हो कभी ना, ये सब क्या हो रहा है नाटक, ये सब क्या कर रहे हैं। उसी समय चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, बोले गुरु मरे मूर्ख देखी करीला शासन, तुम्ही मूर्ख वेदांत तुम्हारा नाही अधिकार, कृष्ण नाम जप यही सर्व मंत्र सार। गुरु जी ने कहा देख बेटा तुम मूर्ख आदमी हो, ये जो वेदांत में तुम्हारे अधिकार नहीं है, हाँ प्रभु मूर्ख देख करीला शासन, मेरे को शासन ने किया, क्या शासन ने किया, मैंने तुमको ये हरिनाम संकीर्तन दे रहा हूँ और गुरु जी की आज्ञा को मैंने पालन करते हुए ये हरिनाम कीर्तन करता हूँ। अब ये हरिनाम करते 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 एक दिन हमने देखा वो हरिनाम लेकर लेकर लेते मेरा जो मन ही एकदम कृष्ण नाम में डूब गया। अब उसमें डूब गया कभी कृष्ण में जान बूझ करके नाचता नहीं, मैं जान बूझ करके रो नहीं रहा हूँ, मैंने जान बूझ कर हंसता नहीं, ये कृष्ण नाम मेरे को हंसाता है, कृष्ण नाम मेरे को रुलाता है, कृष्ण नाम मेरे को नचाता है, सब कुछ कृष्ण नाम नचाता है। और जब जब मैं ये हरिनाम करता हूँ क्या करता हूँ, वृंदावन में बड़ी सुंदर जैसे जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है और बड़ी सुंदर कदम का वृक्ष है, वो कदम का वृक्षों के नीचे एक सुंदर से श्याम सुंदर जी ठाकुर जी बंसुरी बजाते हुए और बड़े आनंद ले रहे। और जब जब मैं ये हरिनाम करता हूँ देखता हूँ ठाकुर जी मेरे को बुलाते इधर आ जाओ, जब जब हरिनाम करता हूँ ठाकुर को मैंने वृंदावन में दर्शन करता हूँ, और जब मैं दौड़ता हूँ उनको पकड़ने के लिए देखता हूँ वहां है नहीं और ये जगह पर फिर मेरे को बुलाते हैं। इसलिए जब जब मैं ये हरिनाम करता हूँ तब तक मैंने वृंदावन में कृष्ण को बंसुरी बजाते हुए देखता हूँ और ठाकुर को दर्शन करके मैंने कभी रोता हूँ कभी नाचता हूँ कभी नृत्य करता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हरिनाम मेरे को नचाता है। बोले भैया यही हरिनाम का फल है, हरिनाम की यही फल है हरिनाम की, इसलिए मैं हर समय क्या करता हूँ ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री चैतन्य भागवत में बताया गया जय जय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाश जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास, कहते जो हरिनाम संकीर्तन है श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन को प्रदान किया। बोले क्या महाप्रभु आकर के हरिनाम खुद बना दिया देते हैं, बोले नहीं महाप्रभु ने खुद भी कोई चीज को अपनी आप से नहीं दिया है, क्योंकि हम पहले श्रवण कर रहे थे नारद पुराण में ही भविष्य पुराण में ही पहले से बता दिया है चार युग है, कितना युग है और चार युग में चार मंत्र है। सत्य युग का लोग कौन सा मंत्र जप करते थे बोलो, कौन सा मंत्र, परापति नारायण परामति, ये था सत्य युग का महामंत्र है। सत्य युग में लोग ये मंत्र को जप करते करके उद्धार होते थे। फिर आ गया तृतीया युग, आ गया तृतीया युग में कौन सा मंत्र था बोलो, कौन बोलेगा बोलो, कौन बोले बोलो, तृतीया युग का कौन सा मंत्र है, बोले राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसाले हरे वैकुंठ वामन, ये जो मंत्र था ये तृतीया युग का लोग इसको जप करते। द्वापर युग आया, पर द्वापर युग में लोग कौन सा मंत्र जप करते थे बोलो, हरे मुरारी मधु कैट भारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष, ये द्वापर युग का लोग ये मंत्र जप करते थे।
अभी कलयुग आया है, बोले कलयुग में कौन सा मंत्र है? ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले कहाँ पर ये मंत्र बताया गया? जो चार युग का मंत्र कौन सा ग्रंथ में? ये अनंत संहिता। कहाँ पर? अनंत संहिता ग्रंथ में ये बताया गया चार युग का चार मंत्र है। इसलिए से चैतन्य महाप्रभु ने अब कहीं भी जब उन्होंने राय रामानंद को प्रश्न किए, बोले कह राय साध्य निर्णय, जीव का लक्ष्य क्या है, उन्होंने बंगला भाषा में बोला, बोले स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। जो जिस वर्ण आश्रम में जन्म ग्रहण किया है उसको जब सही सही कोई पावन करता है भगवान की चरण में भक्ति मिलेगा। महाप्रभु बोले तुम कह रहे हो ना शास्त्र कह रहा है, कई शास्त्र में इसका प्रमाण है ना, है कि नहीं? ना तुम अपने आप कह रहे हो। अरे उन्होंने शास्त्र से कोटेशन किया, वर्णाश्रम आचार बता पुरुषान पर अपमान विष्णु आराध्य तपंथा नान्य तत्व सकार। तो उन्होंने पुराण से श्लोक उतार उद्धृत करके बोले ये शास्त्र में कहता है जो जिस वर्ण और आश्रम में है उसी आश्रम वर्ण में रहते हुए जो जब कोई व्यक्ति ये वर्ण आश्रम को ठीक ठीक से पालन करेगा भगवान के चरण में उसको भक्ति होगा, भगवान के चरण में उसकी प्रेम और भक्ति होगी, वर्ण आश्रम धर्म जागरण करने। इसलिए महाप्रभु ने कहीं भी अपना बात वो नहीं बोले। और महाप्रभु ये भी कहते हैं जब कोई बात तुम बताओ ये बताओ शास्त्र में कहां पर लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं ये बात कभी नहीं करना, मैं नहीं कर रहा हूं, तू कौन होता है बोलने वाले? तू कौन होता है बोलने वाले? कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान राम क्या कहते हैं, हमारे रामायण क्या कहता है, भागवत क्या कहता है, वेद पुराण क्या कहता है, उसको बोलो। मैं बोल रहा हूं तू कौन होता है बोलने वाले? बताओ ना शास्त्र ने क्या बताया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कभी भी उन्होंने अपना मनमाने ढंग से उन्होंने किसी बात को उन्होंने कभी बोले नहीं। जब उन्होंने बोले शास्त्र का प्रमाण देते हुए बोले हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले जय जय हरे कृष्ण मंत्रे प्रकाश, जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास। महाप्रभु ने क्या किया? बोले जय जय हरे कृष्ण मंत्रे प्रकाश। उन्होंने आकर उन्होंने क्या किया, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र को पहले था लेकिन विशेष करके महाप्रभु आकर जगत में इस चीज को उन्होंने प्रकाश किया, विशेष पूर्व जगत में आकर उन्होंने प्रकाश किया है। अभी इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आशीर्वाद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, सुखी है या लोग मोर गायबे कीर्ति। महाप्रभु कहते एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सर्वत्र मेरा नाम गूंज उठेगा, सब लोग प्रसन्न होकर के ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हम सारा दुनिया में हरिनाम करते हैं ना, लोग लंदन अमेरिका फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन सब देश जिस देश में जाओ ना उसी देश में भी ये हरे कृष्ण महामंत्र, वहां पर भी लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, देशी विदेशी सबके सब एक साथ में मिल करके हरिनाम संकीर्तन को, ये सबके सब हरिनाम कीर्तन को अभी दुनिया सबके सब हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि भगवान की ये भविष्यवाणी महाप्रभु की ये भविष्यवाणी था जगत में सर्वत्र हरिनाम प्रचार होगा। इसलिए प्रभुपाद को किसने बोले, बोले प्रभुपाद जी हम चाहते हर शहर शहर में एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते शहर शहर क्या, मैं तो चाहता हूँ हर गांव गांव में एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते हर गांव गांव में नहीं, मैं चाहता हूँ एक घर घर का गौड़ीय मठ बन जाए। बोले घर घर नहीं, प्रभुपाद कहते हर इंसान एक गौड़ीय मठ बन जाए, हर इंसान एक गौड़ीय मठ बन जाए। मतलब क्या है, ये जो तिलक हम धारण करते हैं ना, जो तिलक ये हरि मंदिर है, क्या है ये हरि, ये तिलक हरि मंदिर है। कहते जो व्यक्ति ये तिलक धारण करता है बोले है बोले ऊर्ध्वपुंड धर्म रखते बृहत कुत्र जी, अगर ये ऊर्ध्वपुंड धारण करते हुए कहते स्वभाव अभी अगर चंडाल व्यक्ति भी
अगर ये तिलों को धारण करके कहीं भी मृत्यु होता है भगवान जी मम लोक मैयते, वो एक दिन मेरे पास में प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये उद्धव पुण्य तिलक धारण करते हैं, हैं जो तिलक धारण करते हैं उनको शरीर में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरि बल्लभा नित्य तस्य भवेत् हे जस्य पद्मांकित तनु। जो व्यक्ति हम बारह जगह पर तिलक लगाते हैं ना, जैसे लल्ला के दुर्गा में बख्य स्थल में कभी जो द्वादश जो तिलक जो धारण करते हैं तो जस्य पद्मांकित तनु, जिसको शरीर में जो उद्धव पुण्य तिलक है उसको शरीर में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा हरि बल्लभा ये सावित्री गायत्री ये जितने सारे देवी हैं सबके सब उसके शरीर में नित्य तस्य बसे देते हैं, उसकी शरीर में नित्य ही शरीर में उसको ये सबके सब निवास करते हैं। जो व्यक्ति तिलक धारण करते हैं, पुराण विष्णु श्लोक बताए जो व्यक्ति तिलक धारण करते हैं उनको पास में कोई भूत पिशाच दानव उसको पास में कोई प्रेत पिशाच कोई भी उसको शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और जब महाराज स्वयं बोले क्या बोले, जिसको लगा में तिलक धारण करते हुए देखोगे, जब महाराज का निर्देश है जो ये उद्धव पुण्य धारण करते हुए तिलक का देखोगे दूर से प्रणाम कर लेना, उनको नरक नहीं लाना, मना कर दिया उनको नरक नहीं लाना, वो सीधा भगवत धाम में जाएगी। जो केवल शरीर में ये उद्धव पुण्य तिलक को जो केवल तिलक को धारण करते हैं, इसलिए तिलक का नियम भी बताए उद्धव पुण्य होनी चाहिए। उद्धव पुण्य मतलब जो उर्धव नयति जो भगवान कर ले जाए, इसलिए कृष्ण को देखो कौन सा तिलक उर्धव पुण्य है, नारायण को देखो कौन सा तिलक उर्धव पुण्य है, अब राम को देखो कौन सा तिलक है, हनुमान जी को देखो कौन सा तिलक है, गणेश जी को देखो कौन सा तिलक है, सब उर्धव पुण्य है, सबके सब सबके सब उर्धव पुण्य धारण करते हैं। इसलिए तिलक का नियम है उर्धव पुण्य धारण करनी चाहिए, इसकी बहुत बहुत महीनों बताए। इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आ करके उन्होंने क्या किया, तो जय जय हरि नाम मंत्र प्रकाश, इन्होंने जगत में हरि नाम मंत्र को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। जो तिलक की बात बता रहे थे ना, एक समय महाप्रभु तो स्वयं टीचर थे, महाप्रभु संस्कृत पढ़ाया करते थे, अगर एक महीना भी महाप्रभु के पास में पढ़ लिया, केवल एक महीना कहते हैं महाप्रभु इतने बड़े विद्वान बना देते थे, केवल एक महीना में उसको इतने बड़े विद्वान बना देते थे, एक महीना में समस्त शास्त्र ज्ञान उसको हो जाता था। महापुरुष स्वयं टीचर थे, एक दिन क्या हुआ, एक छात्र भी बिना तिलक लगाए आ गए क्लास में आ गया, जब उन्होंने बिना तिलक लगाए क्लास में आ गया महापुरुष बोले तुमने तिलक नहीं लगाया, तुमने गुरु मंत्र जप नहीं किया, जब घर में जाओ घर में जाकर पहले तिलक लगा करके फिर क्लास में आना, तिलक के बगैर क्लास नहीं आनी चाहिए। महाप्रभु महाप्रभु प्रभुपाद ने क्यों भगवान ये तिलक धारण की क्यों व्यवस्था बनाई कारण किया है, देखना जैसे ब्राह्मण घर में पूजा करने आएगा सबसे पहले तिलक लगाए उसको बाद में पूजा करेगा, नहीं तो पूजा निष्फल है। जैसे कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं तिलक लगा कर बैठते हैं, ये तिलक नहीं ये विजय विजय का लक्षण है, ये तिलक नहीं ये विजय तिलक है, तिलक लगा कर किसी काम को कर ले जाओ वो काम तुम्हारे जरूर होएगा। इसलिए तिलक की बड़ी महिमा शास्त्र ने बताई, इसलिए नहीं तो कृष्ण क्यों लगाते, नारायण राम क्यों लगाते तिलक, जब भगवान को सर्व नहीं आते हैं हमें क्यों सर्वाई, ठाकुर जी को जब सर्व नहीं आता है हमें क्यों सर्वाई तिलक लगाने के लिए। इसलिए अभी गोपी चंद ये क्या है, गोपियों की चरण धूली, नारद जी ब्रज से ये चरण धूली लेकर द्वारका तक गए थे, और ये तिलक जो है भगवान कृष्ण स्नान किया द्वारका में, इसलिए जो द्वारका गए हो द्वारका में वहां पर एक गोपी तालाब है और वहीं से ये मिट्टी आती है, जहां तक ऐसी मिट्टी जहां तक नहीं मिलेगा, केवल पृथ्वी की एक जगह पर ये मिट्टी एक जगह पर मिलती है, इसलिए इसकी बड़ी महिमा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आकर उन्होंने हरिनाम धर्म को जगत में प्रकाशित किया है, हरिनाम धर्म को जगत में प्रचार और प्रसार किया। बोले अपने सवारे प्रभु करे उपदेश, कृष्ण नाम महामंत्र सुना हरि से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। इसलिए महाप्रभु स्वयं
श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं बने, क्या कह रहे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र है, लकी सरने की भोजने की बा जागरने आहर नी सचिंत कृष्ण बोलो अवध। बोले हरि नाम को कब करनी चाहिए, महापुरुष को कोई समय नहीं रहता, बोले की सरने सोते समय भी हरि नाम कर सकते, की भोजन जो भोजन करते हो तभी भी हरि नाम कीर्तन कर सकते हो, कि बात जागर जाते हुए भी हरि नाम कर सकते हो, उठते बैठते सोते हर समय में हरि नाम को कर सकते हो। इसलिए महाप्रभु बोले नाम नाम कार्य बहुधा नीज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवत नामा भी दुर्दैव अनुराग। देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं बोले नाम नाम कर बहुधा भगवान के अनंत नाम कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश हरि अनंत हरि तथा अनंत है ठाकुर का अनंत नाम है। निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता, भगवान ने क्या किया अपना जितना शक्ति उन्होंने नाम में ही सारे शक्ति को दे दिए, इसलिए बल के हरि से बड़ा हरि का नाम है। फिर नियमित स्मरण न काल, महाप्रभु ये नहीं बताए, देखो पूरा नहा धो करके पूरा पवित्र हो करके फिर जाकर के मेरे नाम मिलो, भगवान कभी नहीं बताए पवित्र अपवित्र किसी अवस्था में ठाकुर जी का नाम को हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम कथा सुनाते ना, एक दिन श्री एक कोई तेली था दीप पर तेल निकालता था, एक दिन नारद जी मिल गए, बोले भैया क्या कर रहे हो, अपना आत्म कल्याण के लिए कुछ काम करो, दीप पर तेल निकाल रहे हो, तेल इतना हरि का नाम ले, क्योंकि अंतिम समय जब शरीर छुटका यही तो बोले तुमको राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा है, वो अंतिम समय में यही बात बोल करके तुमको ले जाएंगे। अरे कम से कम ठाकुर का नाम जब कर जो साथ में जाएगा ना, दिन भर पैसा 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 कर रहे हो, बोले समय नहीं, बोले दिन भर में समय नहीं तेरे, अरे थोड़ी बहुत से समय होता होता, बोले हाँ जब मैं सोचो क्रिया में बैठता हूँ ना उसी समय मेरे पास उतना समय होता है, नहीं तो दिन भर में काम काम में लगा हुआ रहता है, बोले उसी समय भी कर लिया जाए, बोले कैसे ये अपवित्र अवस्था में ठाकुर का नाम कैसे लो, बोले ठाकुर थोड़ी बताए नहीं करनी चाहिए। उदाहरण दिया है जैसे अजामिल, अजामिल ने कौन सा समय बेटे को बुलाया था, वहां पर उदाहरण देते हैं भागवत में, कौन जिस समय पर सोया हुआ था बिस्तरा पर टाटी पेशाब कर रहा था, उस समय में एकदम अपवित्र अवस्था में अजामिल था, पूरा पूरा उसमें टाटी पेशाब कर रहा है, बेड पे सोया हुआ है। अंतिम समय में देखना लोगों का यही स्थिति होती है, हम बिस्तरा में महीना महीना तो उसमें टाटी पेशाब करते रहते हैं वो अपवित्र अवस्था में, लेकिन जब उसने बेटे को बुलाया था भगवान को, भगवान को नहीं बुलाया था, किसको बुलाया थे, अपना बेटे को बुलाया था, नारायण बेटा का नाम था, बुलाया कैसे, जिस समय उसने बुलाया था जैसे हम बैठे करते चैन से भगवान का नाम जप करते हैं, उसी समय चैन बेचैन, क्योंकि गले में जमदूत उन्होंने काल फास को बांध के रखकर निकाल रहे थे, उसको प्राण को शरीर से प्राण को निकाल रहे थे, उस समय में जिस समय उसने बुलाया बेटे को चित्कार करते हुए, स्थिर बुद्धि में नहीं बेटा नारायण उन्होंने चित्कार करते हुए और अस्थिर बुद्धि में अपवित्र अवस्था में, और उन्होंने बेटे को उसी समय में उन्होंने बेटे को उन्होंने बुलाया, लेकिन उसी समय बुलाने पर भी देखो भगवान के नाम में कितने शक्ति है ठाकुर जी के नाम में। इसलिए बोले सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलन नमवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगरम विदु, बोले चार तरह से भगवान का नाम कल्याण करती है, कैसे कैसे चार तरह से कल्याण के सांकेत्यम, जैसे किसी बच्चे का नाम कृष्ण गोविंद रख दिया, अगर उसी नाम से अगर बच्चे को भगवान के नाम को बुलाया गया परिहास्यम, अगर हंसी दिलय करते हुए परिहास पूर्वक अगर बुला तभी भी कल्याण करता है, श्रद्धा पूर्वक व अश्रद्धा पूर्वक हो है कैसे भी हंसी दिलय करते हुए किसी तरह से हरे कृष्ण कृष्ण करने से क्या होता है,
एक समय महाप्रभु जब हरिनाम जगत में लाए, एक दिन क्या हुआ, सबके सब का हरिनाम किया, लेकिन एक मुसलमान था जो हरि का नाम नहीं लिया। उस समय जो गदाधर पंडित महाप्रभु का भक्त गदाधर दास, दो गदाधर है, एक गदाधर है हम लोग कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त, ये जो गदाधर है राधा रानी, लेकिन और गदाधर के दास है, वो बड़ा तेजी था। उसने कहे सीधा मुसलमान धर्म बोले काजी पाजी महाप्रभु आपने सबका हरिनाम दिया, सबका उद्धार हुआ, लेकिन तू ऐसे के नास्तिक जो कि भगवान का नाम पर नहीं ले रहे हो, वो गदाधर कोई गोपी है, वो जा करके दाहर करके मां बुलाए, बोले कहा तो महा बाहर निकल कर क्या। तो उन्होंने बोले देख सारा दुनिया को महाप्रभु हरिनाम दिया, लेकिन तू एक पाजी तू हरिनाम नहीं कर, बोल कृष्ण बोल, क्या बोल कृष्ण बोल। उसने यदि की स्वरूप देखो डर गए, बल मैं कल कृष्ण बोलूंगा, कल मैं कृष्ण बोलूंगा, बोले कल क्यों आज ही तो कृष्ण बोल दिया तुमने, तो कल क्यों आज ही तो कृष्ण बोल दिया तुम्हारी उद्धार हो गया, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, आज ही तेरे उद्धार हो गया। इसलिए कहते भगवान का नाम को किसी तरह से भी, भगवान का नाम को ग्रहण कर, तो क्या करता है भगवान का नाम अशेष अगहन विदु, बोले जन्म जन्मांतर का जो पाप वो भगवान का नाम नष्ट कर देता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ बिल्कुल अतएव कलयुग के नाम यज्ञ सार आप कौन धर्म कहिए नहीं हर एक बार, मतलब कलयुग में कौन सा यज्ञ सार है, जगत बहुत तरह का यज्ञ होता है, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र को भी यज्ञ बताया, क्या बताया, अरे बोलो क्या बताया, यज्ञ बताया, मैंने पहले बताया था ये यज्ञ कैसे है, इसको याद है यज्ञ की मैंने बताया, याद है कि नहीं, ये भारतीय हरे कृष्ण महामंत्र को यज्ञों के साथ में कोई उदाहरण नहीं है, याद क्यों लोगों किसी बच्चे को, मन का, हाँ बोलो मन का जो भाव रूपी घी है, जोर से बोलो मन में जो भाव भाव, अरे पहले से शुरू कर कुंडल कहाँ है, हाँ इसलिए और एक बार सुन लो फिर कल फिर कुछ, देखो यहाँ पर श्री एकादश स्कंध में जो नेमी नवे जोगेंद्र जो संवाद है, नेमी महाराज ने नौ जोगेंद्र को नौ को प्रश्न किया है, उसमें एक जोगेंद्र को वो प्रश्न करते हैं कलयुग में भगवान कौन है, कलयुग में भगवान कौन है और उनको उपासना कैसे करनी चाहिए। जब उन्होंने ये प्रश्न की तब स्वयं नवे जोगेंद्र में जो एक जोगेंद्र है तब उसमें कहते हैं बोले कृष्णा वर्णम के साम अकृष्णा सांग पांग अस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्रायः जयंती सुमेध, बोले कलयुग में जो सुमेध संपन्न व्यक्ति होगा जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो भगवान को कैसे आराधना करेगा, बोले यज्ञ संकीर्तन प्रायः, इसलिए संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उपासना करेगा, इसलिए संकीर्तन को यज्ञ बताए। तो यहाँ प्रश्न करते हैं बोले भैया यज्ञ करने के लिए पांच छह चीजें जरूरत है, पहला नंबर है कुंड चाहिए, कुंड जैसे यहाँ पर हवन कुंड बनाए ना, कुंड चाहिए, उसके बाद में घी चाहिए, फिर हवन सामग्री चाहिए, फिर मंत्र चाहिए, फिर उसमें अग्नि चाहिए, इतने सारे चीज होने पर जाकर कहीं यज्ञ होता है। लेकिन आपने बोल दिया है ना यज्ञ कैसे, तो देखो जो कान है ना ये कुंड जैसे, ये कान कुंड जैसे, जैसे इसमें इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा करते हैं कि जो हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं यही मंत्र ही क्या है, उसमें जो मंत्र है जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, एक चम्मच में उसमें घी डालते हैं, चम्मच क्या है, बोले जिह्वा की चम्मच है, बोले उसमें अग्नि क्या है, कहते हैं प्रेम, इसका मतलब है कान रूपी कुंड में कृष्ण नाम रूपी मंत्र को ये जिह्वा रूपी चम्मच से, जब ये कान रूपी कुंड में हरे कृष्ण महामंत्र को हम देते हैं भाव रूपी घी को द्वारा जो अग्नि प्रकट होता है, मतलब भगवान के चरण में जो प्रेम प्रकट होता है यही उसमें अग्नि है, इसलिए हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग में कहते यही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन प्रायः
जगत ही सुमेध सब लोग विद्वान लोग होते हैं कलयुग में ये संकीर्तन रूपी जगत कर भगवान को आराधना करते हैं। कलयुग में जग हरि नाम ही कलयुग में जग है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जिसे बोलो इसका वातावरण जितना दूर तक फैलेगा सब तक उतना दूर तक कहते ना मंगल भवना अमंगल हरि, कोई अमंगल वहां आ ही नहीं सकते है। इसलिए कलयुग में बोले हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु आकर के अत्य तो कलयुग के नाम जग साल आर पर धर्म पहले नहीं है। कलयुग में केवल हरि नाम के द्वारा ही जीव का कल्याण होगा। अगर और कोई धर्म करे तो संसार से जीव को भी उद्धार नहीं हो सकती। इसलिए विशेष करके कलयुग में रात्रि दिन नाम गए खाई के सुनते ताहर महिमा बेते नहीं पाते थे। जो व्यक्ति रात और दिन खाते सोते भगवान का नाम लेते हैं उनका वेद की महिमा को वर्णना नहीं कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं बोले अतएव गृह तुम्हें कृष्ण भज दिया कुटी नाटी परिहार एकादशिया। महाप्रभु कहते घट जाओ जाकर हरि नाम संकीर्तन करो। लेकिन जितने कुट नाटी मतलब जितने कुटी नाटी कुछ नहीं समझता होती नहीं जितने छल प्रपंच कपटता को परित्याग करते हुए ये हरि नाम को ग्रहण करनी चाहिए। और उसी हरि नाम करने से क्या होगा बोले साध साधन तत्व जेकी छु सकल हरि नाम संकीर्तन मिली वे सकल। बोले साध्य साधन तत्व कभी ब्राह्मण था ना वो ब्राह्मण ने उनने सब लोगों को एक ही प्रश्न किया कलयुग में साधन किया और साध्य किया समझ रहे कि नहीं। कलयुग में हम करें क्या कलयुग में साधन क्या करे साधन करके हमारे लक्ष्य क्या होनी चाहिए करे क्या उसका लक्ष्य क्या। उन्होंने बहुत लोगों को प्रश्न की लेकिन सही सही कोई भी इसका आंसर नहीं दे सके। जब उन्होंने गहरा रूप में भगवान से प्रार्थना की ठाकुर जी मैं तो सबको एक ही प्रश्न करता हूँ क्या करनी चाहिए और लक्ष्य दिया है। महापुरुष को सपने में आया उन्होंने देखा कि दिव्य महापुरुष खड़े हैं। बोले कोई चिंता मत कर कल मैं धर्म पास में अमुक स्थान पर ये दिव्य पुरुष आएगा उनको जाकर प्रश्न करो। सचमुच से उन्होंने जो स्वप्न में देखा था ना बेटा दूसरे दिन देखा घर के पास आए कौन चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने प्रश्न किया अपने प्रभु आपको मैंने स्वप्न दर्शन दिया आपको मैंने दर्शन दिया है क्योंकि स्वयं नाम स्वयं नाम ही स्वयं कृष्ण स्वयं आप कृपा करके बताओ जीवन में करनी क्या चाहिए और जीवन का लक्ष्य क्या होनी चाहिए। तो महाप्रभु बोले बेटा ये जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही हरि नाम संकीर्तन ही जीवन का साधन है और कोई साधन नहीं। बोले साध्य क्या है जीवन का लक्ष्य क्या है बोले लक्ष्य भी हरना साधन भी यही और जीवन का जो प्राप्ति भी यही क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में आए हैं कि हरि नाम ही साधन और यही साध्य। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं मैंने जब हरि नाम कीर्तन करता हूँ देखता हूँ वृंदावन में सुंदर जमुना किनारे में कदम वृक्ष है जहाँ पर कृष्ण खड़े होकर के मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं और मेरे को बुलाते रहते हैं मेरे को बुलाते हैं। जब जब मैं हरि नाम करता हूँ मैं उनको दर्शन करता हूँ। इसलिए कभी नाचता हूँ कभी रोता हूँ कभी नृत्य करता हूँ कभी जमीन पर लौट को खाता हूँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये चैतन्य भागवत और चैतन्य चैतन्यमृत में विभिन्न ज्यादा पर मैंने महाप्रभु कब कब भक्तों का क्या क्या उन्होंने उपदेश दिया है और कुछ बाकी है कल इसको हम सुनेंगे ठीक है। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की बोले श्री नित्यानंद प्रभु की निताय गौर प्रेमानंद बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Ah, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.